Hello everyone, I am Professor N.B. Chate. Welcome to all in the 40th lecture of Electrical Measurement subject. So my dear students, we have discussed about the LCR meter in the last lecture, right? So we have seen its construction and its working. So this is the LCR meter. Here we have seen the construction and its working principle in the last lecture. Now in today's lecture we are going to discuss about the types of frequency meters. So there are 5 to 6 types of the frequency meters. In that, first one is the mechanical resonance or vibrating reed type frequency meter. Second one is the electrical resonance or ferromagnetic type frequency meter. Third type is moving iron or western type frequency meter. Fourth one is the ratio meter type frequency meter. Fifth one is the saturable core type frequency meter, and sixth one is the digital type frequency meter. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे frequency meter के types हैं. ठीक है, उसमें से जो main types हैं वो है आपके mechanical resonance type first वाला, second आपका electrical resonance और ferromagnetic type, third है आपका moving iron और वेस्टर्न टाइप, एंड फोर्थ वन है आपका डिजिटल टाइप. तो ये चार मेन फ्रिक्वेंसी मीटर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं. ठीक, सो वी हैव टू डिस्कस दीज फ्रिक्वेंसी मीटर वन बाय वन. सो लेट्स सी फर्स्ट टाइप ऑफ द फ्रिक्वेंसी मीटर, दैट इज मैकेनिकल रेजोनेंस और वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर. तो यहाँ पे उसका सर्किट दिखता है आपको, ये सर्किट है मैकेनिकल रेजोनेंस या फिर वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर का. ठीक है, व्हाट इज रीड? रीड का मतलब होता है कि एक, ये रीड मतलब है टॉल सिलेंडर लीव्स का एक प्लांट होता है ग्रास फैमिली का. ठीक है, जो कि मार्शी ग्राउंड पे आता है. ठीक है, त्याला आपण मराठीमध्ये वेळूचं किंवा वेताचं झाड असं म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, तुम्ही वेळूचं किंवा वेताचं झाड जर पाहिलं असेल तर त्या तशा शेपमध्ये याचा शेप असतो, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे रीड टाईप. ठीक, तर हे त्याचं सर्किट आहे. इथं दिसते तुम्हाला एक कॉईल आहे. सो करंट हुज फ्रिक्वेन्सी इज टू बी मेजर्ड, ज्या करंटची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मेजर करायची आहे तिथं आपण एक कनेक्ट करणार आहेत मीटर. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी मीटर. सो दिस इज द सॉफ्ट आयर्न आर्मेचर, हे आहे आपलं सॉफ्ट आयर्न आर्मेचर. दिस इज द रीड, दिस इज बार अँड दिस इज फ्लेक्सिबल सपोर्ट. ठीक आहे, हे आहे सर्किट मेकॅनिकल रेझोनन्स और व्हायब्रेटिंग रीड टाईपचं. ठीक आहे, आणि त्याच्या रीड्स इथं दाखवलेले आहेत, वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीच्या रीड्स या दाखवलेल्या आहेत. हिअर इज दी, इथं फ्रिक्वेन्सी दिसते आपल्याला 55 हर्ट्स आहे, या 60 हर्ट्ससाठी रीड्स आहे आणि या 65 हर्ट्ससाठी रीड्स दाखवले. ठीक आहे, सो दिस इज द बार. क्लियर? देन उसका वर्किंग देखेंगे हम अभी. ठीक है, तो वर्किंग ऑफ रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर. तो यहाँ पे तीसरी एक डायग्राम दिखाई है, हियर इज द इंडिकेटर डायल. ये इंडिकेटर डायल है, डायल है आपका. ये यहाँ पे हर्ट्स में फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिखाए हैं 55, 56, 57, 58 लाइक दैट ऑफ अप टू 65 हर्ट्स. हियर दी फ्रिक्वेंसीज आर डिनोटेड, राइट. सो दीज आर दी वाइब्रेटिंग रीड्स, ये है आपके वाइब्रेटिंग रीड. ठीक है, तो ये इसका वर्किंग देख लेते हैं रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर का. सो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस सप्लाई. जब हम ये इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं सप्लाई के अक्रॉस में, उस फ्रिक्वेंसी टू बी मेजर्ड, जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें क्या करनी है, मेजर करनी है. देन एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज सेटअप. वहाँ पे क्या होता है आपका अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है. ठीक है, अति फ्रिक्वेंसी मीटर का मतलब ही है कि हमें वहाँ पे फ्रिक्वेंसी मीटर पे हमें फ्रिक्वेंसी मेजर करनी है. ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, When the instrument is connected across the supply. जब हम इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्ट करते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें मेजर करनी है, तब तो वहाँ पे एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स वहाँ पे सेटअप होता है. जेव्हा आपण इंस्ट्रूमेंट हे कनेक्ट करतो तिथल्या सप्लायच्या अक्रॉसमध्ये, ज्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मेजर करायची आहे तेव्हा तिथं अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप केला जातो. ठीक आहे. सो ड्यू टू दिस फ्लक्स अँड अट्रॅक्टिव फोर्स इज एक्सपिरियन्स्ड अपॉन दी रीड्स. या फ्लक्समुळं तिथं एक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स एक्सपिरियन्स होत असतो तिथल्या रीड्सवरती आफ्टर एव्हरी हाफ सायकल. प्रत्येक हाफ सायकल नंतर तिथं या फ्लक्समुळं एक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स तिथं एक्सपिरियन्स होत असतो तिथल्या रीड्सवर. ठीक. ये है सेकंड पॉइंट कि वहाँ पे जो सेटअप हुआ है फ्लक्स उसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है कि रीड्स पे हर एक हाफ साइकिल के बाद. ठीक है. एवरी हाफ साइकिल होने के बाद वहाँ पे क्या होता है उस फ्लक्स की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होता है आपके रीड के ऊपर. ठीक. देन नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सिक्वेंटली द रीड्स टेंड टू वाइब्रेट. कॉन्सिक्वेंटली आपके रीड वहाँ पे क्या होते हैं वाइब्रेट होते हैं. बट ओनली द रीड whose actual frequency is double of the supply frequency will be in resonance. ठीक है. लेकिन वहाँ पे जो रीड होता है जिसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी से डबल होती है वो क्या होता है रेजोनेंस में जाता है. ठीक है. जो रीड जिसकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी आपके सप्लाई फ्रिक्वेंसी से डबल है वो रीड रेजोनेंस में जाता है एंड वाइब्रेट होता है विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से. वाइब्रेट होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से. नॉर्मली द वाइब्रेशन अदर रीड्स इज स्लो सो स्लाइट. और अदर जो रीड्स है उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सो स्लाइट होते हैं एज टू बी अनऑब्जर्वेबल. और वो आपके अनऑब्जर्वेबल होते हैं यानी आप हमको वहाँ पे उसके वाइब्रेशन जो होते हैं और रीड्स के वो हमें ऑब्जर्व नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये है आपका थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आपण कॉन्सिक्वेंटली रीड्स काय होतात तिथं व्हायब्रेट होतात. पण जो रीड ज्या रीडची ॲक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी ही तिथल्या सप्लाय फ्रिक्वेन्सीपेक्षा डबल असते तो रेझोनन्स मध्ये जातो आणि व्हायब्रेट होतो त्याच्या मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडनं. नॉर्मली जे अदर रीड्सचे जे व्हायब्रेशन्स असतात ते अतिशय स्लाइट असतात त्यामुळे ते अनऑब्झर्वेबल असतात. ठीक आहे. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर. क्लियर. इतने ही पॉइंट्स लिखने हैं आपको वर्किंग में. 2-3 पॉइंट्स है. ठीक है. इसमें कुछ डाउट है? नो. सेकंड टाइप का जो फ्रिक्वेंसी मीटर है वो है आपका फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर जिसको दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है आपको. ठीक है. तो इसका कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं हम. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड कॉइल. इसमें एक फिक्स्ड कॉइल है यहाँ पे दिख रहा है आपको. ठीक है. ये फिक्स्ड कॉइल है आपकी जिसको मैग्नेटाइजिंग कॉइल भी बोला है. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड कॉइल. द सप्लाई उस फ्रिक्वेंसी इज टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड अक्रॉस इट. और जो सप्लाई जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें मेजर करनी है वो हमने ये फिक्स्ड कॉइल के अक्रॉस में उसको कनेक्ट किया है. ठीक है. तो ये सप्लाई सर्किट है आपका. इसके ये सप्लाई सर्किट को आपको मैग्नेटाइजिंग कॉइल यानी यहाँ की फिक्स्ड कॉइल के अक्रॉस में कनेक्ट किया है और इस सप्लाई की फ्रिक्वेंसी हमें क्या करनी है मेजर करनी. ठीक है. ये पहला पॉइंट है. ये तो फिक्स्ड कॉइल आहे आपल्याकडे. या फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेन्सी मीटर मध्ये एक फिक्स्ड कॉइल आहे ज्याला मॅग्नेटायझिंग कॉइल असं नाव दिलेलं आहे आणि आपण सप्लाय ज्याची फ्रिक्वेन्सी मेजर करायची आहे तो आपल्याला कनेक्ट करायचा आहे या मॅग्नेटायझिंग कॉइलच्या क्रॉस मध्ये म्हणजे पॅरलल मध्ये. आणि त्या फिक्स्ड कॉइलला दिस कॉइल इज ऑल्सो नोन ॲज मॅग्नेटायझिंग कॉइल. फिक्स्ड कॉइलला दुसरं नाव काय दिलं आपण मॅग्नेटायझिंग कॉइल. सो इट इज माउंटेड ऑन अ लॅमिनेटेड आयर्न कोर. एका लॅमिनेटेड आयर्न कोर वरती. सो दिस इज लॅमिनेटेड आयर्न कोर. या लॅमिनेटेड आयर्न कोर वरती ही फिक्स्ड कॉइल आपण तिथं माउंट केलेली आहे. ठीक आहे. फिक्स्ड कॉइल को दूसरा नाम क्या दिया है मैग्नेटाइजिंग कॉइल. और वो मैग्नेटाइजिंग कॉइल यानी फिक्स्ड कॉइल आपके लैमिनेटेड आयर्न कोर के ऊपर माउंट की है. ठीक है. सो द कोर हैज अ टिपिकल वैरिंग क्रॉस सेक्शन. कोर का एक टिपिकल वैरिंग सेक्शन है. सो इट वैरीज अलोंग द लेंथ. वो वैरी होता है अलोंग द लेंथ कि यहाँ पे देखो ये लेंथ इसकी ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे लेंथ उसकी कम है, सो इट वेरीज अलोंग द लेंथ एंड इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कोर। और ये जो एंड है कोर का उस पे उसकी लेंथ मैक्सिमम होती है, ठीक है। या कोअरची एक कोअरचा एक टिपिकल व्हायरिंग क्रॉस सेक्शन आहे, इथं दिसतोय आपल्याला डायग्राम मध्ये कोअरचा एक टिपिकल व्हायरिंग क्रॉस सेक्शन आहे, तो व्हॅरी होतो त्याच्या लेंथच्या अलॉंग मध्ये, ठीक आहे। आणि त्याची जी लेंथ आहे ती मॅक्झिमम असते जिथं कोअरचं एंड असतं तिकडे, ठीक आहे। जिकडे कोअरचं एंड असतं तिकडे त्याची लेंथ ही मॅक्झिमम असते। The moving coil of it is pivoted over this iron core. जो मूविंग कॉइल होता है, ठीक है, ये मूविंग कॉइल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मूविंग कॉइल को पाइवोट किया होता है उस ओवर दिस आयरन कोर के ऊपर इसको पाइवोटेड किया होता है, ठीक है, मूविंग कॉइल को, ठीक है। देन द पॉइंटर इज फिक्स्ड टू दिस स्पिंडल, ये पॉइंटर यहाँ पे स्पिंडल को फिक्स किया है आपको, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये पाइवोट है आपका, इसके ऊपर आपका पॉइंटर फिक्स किया है। एंड द टर्मिनल्स ऑफ द मूविंग कॉइल आर कनेक्टेड टू सुटेबल कैपेसिटर सी। जो मूविंग कॉइल के टर्मिनल्स है इसको यहाँ पे दिख रहा है आपको, मूविंग कॉइल के टर्मिनल्स में हमने एक कैपेसिटर वहाँ पे कनेक्ट किया है। सो नो कंट्रोलिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये है आपके फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर या फिर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर का कंस्ट्रक्शन। अभी इसका वर्किंग कैसे होता है, देखो। द करंट फ्लोइंग थ्रू द मैग्नेटाइजिंग कॉइल प्रोड्यूसेस फ्लक्स इन द आयरन कोर। जो करंट फ्लो हो रहा है आपकी मैग्नेटाइजिंग कॉइल में से, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई सर्किट है, ये सप्लाई सर्किट हमने फिक्स्ड कॉइल यानी मैग्नेटाइजिंग कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो ये फिक्स्ड कॉइल में से जो करंट फ्लो होगा यानी मैग्नेटाइजिंग कॉइल में से जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से वहाँ पे एक आयरन कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, विच विल सेटअप एन EMF इन द मूविंग कॉइल, और उसकी वजह से आपके मूविंग कॉइल में वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। सो दिस EMF लैग्स द फ्लक्स बाय ऑलमोस्ट 90 डिग्री, और वो EMF आपका लैगिंग कंडीशन में होगा वहाँ के फ्लक्स के पाई के कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, ठीक है। ये है आपका वर्किंग का फर्स्ट पॉइंट। पहिला पॉइंट काय सांगितलं आपण की जो करंट फ्लो होतो आहे आपल्या मॅग्नेटायझिंग कॉइलमधून त्यामुळे तिथं आयन कोरमध्ये फ्लक्स प्रोड्यूस केला जाणार आहे आणि त्यामुळं तिथं EMF इंड्यूस होणार आहे आपला मूव्हिंग कॉइलमध्ये, आणि हे EMF तिथल्या फ्लक्स फायच्या ऑलमोस्ट 90 डिग्रीनं लॅगिंगमध्ये असणार। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस विल कॉज करंट I टू फ्लो थ्रू द कैपेसिटर C। इसकी वजह से जो EMF इंड्यूस हुआ है आपके मूविंग कॉइल में से, ठीक है, जो EMF इंड्यूस हुआ है आपके मूविंग कॉइल में उसकी वजह से वहाँ पे एक करंट फ्लो होता है आपके कैपेसिटर में से, ठीक है। दिस विल कॉज करंट I टू फ्लो थ्रू द कैपेसिटर C। इफ द करंट इज इंडक्टिव, अगर आपका करंट इंडक्टिव है, सो इट विल लैग इंड्यूस EMF, वो आपके लिए इंड्यूस EMF से लैगिंग कंडीशन में होगा। करंट आपका इंडक्टिव है तो इंड्यूस EMF से वो लैगिंग में है रहेगा। एंड टॉर्क विल एक्ट ऑन कॉइल, तब आपके कॉइल पे टॉर्क एक्ट होगा, ठीक है। जे EMF इंड्यूस झालेलं आपल्या मूव्हिंग कॉइल मध्ये त्यामुळं एक करंट I फ्लो होणार आहे आपल्या कॅपॅसिटर C मधून, आणि तो जर करंट आपला इंडक्टिव्ह असेल तर तो करंट तिथल्या इंड्यूस EMF च्या लॅगिंग कंडिशन मध्ये असेल आणि त्यामुळे टॉर्क आपला ऍक्ट होणार आहे तिथल्या कॉइलवरती। करंट जर आपला कॅपॅसिटिव्ह असेल, इफ द करंट इज कॅपॅसिटिव्ह देन ऑल्सो द टॉर्क विल ऍक्ट। करंट जर आपला कॅपॅसिटिव्ह असेल तेव्हा सुद्धा तिथं टॉर्क ऍक्ट होणार आहे आपला। बट इफ द इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स इज इक्वल टू कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स, टू टॉर्क्स विल ऍक्ट ऑन द मूव्हिंग कॉइल। पण जर तिथला इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स आणि कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स जर इक्वल झाले तर तिथं मूव्हिंग कॉइलवरती दोन टॉर्क्स आपले ऍक्ट होतील, ठीक आहे। ये है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोला मैंने कि आपका करंट अगर कैपेसिटिव है तब भी वहाँ पे आपका टॉर्क एक्ट होगा, ठीक है। अगर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल में जाएगा तो वहाँ पे दो टॉर्क्स आपको मूविंग कॉइल में ऐड होंगे। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कांस्टेंट फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द पिवोटेड कॉइल ऑन द कोर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कांस्टंट असेल तिथल्या गिवन फ्रिक्वेन्सीला, पण इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड असणार आहे तिथल्या पोझिशनवरती, पायोटेड कॉइल जे आहे कोर वरती त्याच्या पोझिशनवरती आपला इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड असणार, ठीक आहे। द नियरर द कॉइल अप्रोचेस द मैग्नेटाइजिंग कॉइल द ग्रेटर इज इट्स इंडक्टन्स। नियरर द कॉइल अप्रोचेस द मैग्नेटाइजिंग कॉइल म्हणजे ती जर कॉइल तिथल्या मॅग्नेटायझिंग कॉइलला अप्रोच केलं तिनं नियरर मध्ये, ठीक आहे, तिथल्या कॉइलनं मॅग्नेटायझिंग कॉइलला जर अप्रोच केलं नियरर मध्ये तर ग्रेटर आपला तिथला इंडक्टन्स असणार आहे, ठीक है। अगर वो कॉइल ने वहाँ के मैग्नेटाइजिंग कॉइल को अप्रोच किया नियरर में तब वहाँ का इंडक्टेंस आपका ग्रेटर रहेगा। द मूविंग कॉइल इज पुल टुवर्ड्स द मैग्नेटाइजिंग कॉइल, तब आपकी मूविंग कॉइल उस मैग्नेटाइजिंग कॉइल को पुल करेगी उसके तरफ, ठीक है। मूविंग कॉइल क्या करेगी, आपके मैग्नेटाइजिंग कॉइल को पुल करेगी उसके तरफ, ठीक है। अनटिल बोथ रिएक्टेंसेस आर एग्जैक्टली इक्वल, जब तक आपके रिएक्टेंसेस इक्वल में नहीं आते हैं तब तक आपकी मूविंग कॉइल क्या करेगी, वहाँ के मैग्नेटाइजिंग कॉइल को उसकी तरफ पुल करेगी। दैट इज व्हेन टॉर्क इज जीरो, यानी वहाँ का टॉर्क कैसे होगा, जीरो, ठीक है। The value of capacitor is so selected that the moving coil takes up a convenient position when frequency is of normal value। जो value है आपके capacitor की वो ऐसे select करनी है अपने को कि moving coil ने क्या किया, moving coil ने एक convenient position वहाँ पे लेनी चाहिए जब आपकी frequency की value normal value होती है, तब वहाँ के मूविंग कॉइल ने कन्वीनियंट पोजीशन लेनी चाहिए। ऐसे वैल्यू हम कैपेसिटर की सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वैल्यू जी है कैपेसिटरची ती अशा प्रकारे आपल्याला सिलेक्ट करायची की तिथल्या मूविंग कॉइलने एक कन्वीनियंट पोजीशन घेतली पाहिजे जेव्हा तिथली फ्रिक्वेन्सीची वैल्यू ही नॉर्मल असेल तेव्हा, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेन्सी मीटर और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिक्वेन्सी मीटर। क्लियर, समझ में आया। देन थर्ड टाइप का फ्रिक्वेंसी मीटर है आपका वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूविंग आयरन टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर, ठीक है। तो इसकी डायग्राम जो है वो ये है, यहाँ पे दो कॉइल्स दिख रहे हैं आपको, ये कॉइल ए है जिसके टर्मिनल्स A1 एंड A2 है और ये कॉइल बी है जिसके टर्मिनल्स B1 है B2 है। ये आपका सॉफ्ट आयरन नीडल है, ये एक्सिस है आपके कॉइल A1 एंड A2 का, ठीक है। और ये एक्सिस जो डॉटेड लाइन से दिखाया है वो है आपका कॉइल P1 एंड P2 का। यहाँ पे दो इंडक्टर कनेक्ट किए हैं LA एंड LB। LA इंडक्टर आपके एक कॉइल में कनेक्टेड है और LB जो इंडक्टर है आपका वो यहाँ पे कनेक्टेड है आपका RA एंड RB, ऐसे दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, ठीक है। ये सप्लाई है आपका, ये पॉइंटर है आपका और ये फ्रिक्वेंसी स्केल है आपकी, ठीक। ये फ्रिक्वेंसी स्केल, ये नॉर्मल है, ये लोअर है और इसकी हायर वैल्यू है। तो ऐसा एक डायग्राम है यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर और उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमें देखना है। सो वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर को दूसरा नाम मैंने क्या बोला, मूविंग आयरन टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर, ठीक है। सो देयर आर टू फिक्स्ड कॉइल्स ए एंड बी, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको दो फिक्स्ड कॉइल्स है आपके ए एंड बी, ठीक है। तो ये दो फिक्स्ड कॉइल्स हैं आपके। ईच कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दोनों कॉइल को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। दोनों कॉइल को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है and are fixed such that their magnetic axes are perpendicular to each other। और उनको फिक्स किया है ऐसी तरीके से कि उसके जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में आनी चाहिए, ठीक है। इथं दोन कॉइल्स आहेत आपल्याकडे फिक्स्ड कॉइल्स, वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेन्सी मीटरमध्ये दोन फिक्स्ड कॉइल्स आहेत आपल्याकडे ए आणि बी। प्रत्येक कॉइलला आपण इक्वल पार्ट्स मध्ये दोन इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेले आहे, ठीक आहे। तर दिसतंय तुम्हाला या प्रत्येक कॉइलला आपण दोन इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेले आहे। ही कॉइल ए आहे आणि ही कॉइल बी आहे, क्लियर आहे। आणि या प्रत्येक कॉइलला आपण दोन इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेलंच आहे आणि त्यांना अशा प्रकारे फिक्स केलंय आपण की त्या दोन्ही कॉइलचे जे मॅग्नेटिक ऍक्सिस आहेत हे एकमेकांच्या परपेंडिक्युलर मध्ये यायला पाहिजे, ठीक आहे। तर हा दिसतोय तुम्हाला हा जो डॉटेड ऍक्सिस आहे तो आहे आपल्या कॉइल A1 A2 चा आणि हा जो डॉटेड ऍक्सिस आहे तो आहे आपल्या कॉइल B1 B2 चा। हे दोघं एकमेकांच्या परपेंडिक्युलर मध्ये आले तिथे, ठीक आहे। सो ऍट देअर सेंटर सॉफ्ट आयर्न नीडल इज प्लेस ऑन स्पिंडल टू विच द पॉइंटर इज अटॅच्ड। त्याच्या सेंटरला एक सॉफ्ट आयर्न निडल दिसते आपल्याला, इथे दिसते सॉफ्ट आयर्न निडल, ठीक आहे, सेंटरला आहे। सो ॲट देअर सेंटर सॉफ्ट आयर्न निडल इज प्लेस्ड ऑन दी स्पिंडल, ती कुठे प्लेस केली आपण स्पिंडल वरती, टू विच द पॉइंटर इज अटॅच आणि त्यालाच हा पॉइंटर आपण अटॅच केलेला आहे। द माउंटिंग अँड कनेक्शन्स आर शोन इन द फिगर, त्याच्या माउंटिंग आणि कनेक्शन्स फिगर मध्ये दाखवलेले। इंडक्टर L डॅम्प्स दी हार्मोनिक्स इन दी करंट, ठीक आहे। इंडक्टर L काय करेल तिथले करंट मधले जे हार्मोनिक्स आहेत त्याला डॅम्प करेल। हा इंडक्टर कनेक्ट केलेला आहे LA आणि LB। इथे एक इंडक्टर आहे, हा इंडक्टर करंट मधले हार्मोनिक्सला डॅम्प करेल, ठीक आहे। इंडक्टर L डॅम्प्स दी हार्मोनिक्स इन द करंट। सो व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाय कॉइल्स ए अँड बी ड्रॉ करंट्स टू प्रोड्यूस मॅग्नेटिक फील्ड्स। जेव्हा या दोन्ही कॉइल्स आपण सप्लायच्या अक्रॉसमध्ये पॅरलमध्ये कनेक्ट करणार आहे तेव्हा कॉइल्स ए आणि बी काय करतील तिथं करंट ड्रॉ करतील आणि त्यामुळे तिथं मॅग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होतील। दॅट ऍक्ट्स ऑन द सॉफ्ट आयर्न निडल टू डिफ्लेक्ट इट, आणि ती मॅग्नेटिक फील्ड तिथं ऍक्ट होणार आहे तिथल्या सॉफ्ट आयर्न निडलवरती, ठीक आहे। हे दिसते आपल्याला सॉफ्ट आयर्न निडल, याच्यावरती मॅग्नेटिक फील्ड ऍक्ट होईल आणि त्यामुळं पॉइंटर आपला काय तिथं डिफ्लेक्ट होता, ठीक है। जब हम वो कॉइल्स को सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे तब कॉइल्स ए एंड बी क्या करेंगे वहाँ पे करंट को ड्रॉ करेंगे और उसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, वो एक्ट होंगे आपके सॉफ्ट आयर्न नीडल पे, उसकी वजह से वहाँ का पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होगा। द पोजिशन ऑफ द नीडल डिपेंड्स ऑन दीज करंट्स, जो पोजिशन रहेगी आपकी नीडल की वो वहाँ की करंट्स पे डिपेंड करेगी। सो अंडर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे यानी ड्यू टू प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ RA RB LA एंड LB, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे टू फोर्सेस मेक द पॉइंटर टू शो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। वहाँ पे दो फोर्सेस रहेंगे वो क्या करेंगे पॉइंटर को नॉर्मल फ्रिक्वेंसी शो करने के लिए वहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। अंडर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी दो फोर्सेस क्या करेंगे पॉइंटर को शो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी शो करने के लिए वो दो फोर्सेस वहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। सो व्हेन द फ्रिक्वेंसी इज अदर देन नॉर्मल, जब आपकी फ्रिक्वेंसी नॉर्मल से अदर रहेगी दूसरी रहेगी, ठीक है, जर फ्रिक्वेंसी तिथली नॉर्मलपेक्षा वेगळी असेल देन द रिॲक्टन्सेस LA and LB विल बी डिफरंट। त्यावेळेस तिथले रिॲक्टन्सेस LA आणि LB हे डिफरंट असतील with resistances unchanged, त्यावेळेस तिथले रेजिस्टन्सेस अनचेंज्ड असतील, लीडिंग टू डिफ्लेक्शन्स इन आयदर डायरेक्शन, आणि त्यामुळं डिफ्लेक्शन जे आहे ते आयदर डायरेक्शन मध्ये लीड होईल डिपेंडिंग ऑन दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी करंट्स। जशी फ्रिक्वेन्सी असेल करंटची त्या डायरेक्शननं तिथं डिफ्लेक्शन होईल, ठीक आहे। जशी फ्रिक्वेन्सी असेल करंटची त्याच डायरेक्शनवरती डिफ्लेक्शन डिपेंड असेल, ठीक आहे। सो देअर ड्यू टू द चेंज्ड इम्पिडन्सेस, कारण तिथले इम्पिडन्सेस त्यावेळेस काय झालेले असतील चेंज झालेले असतील, ठीक आहे। सो दिस इज दी वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर, क्लियर है। वहाँ ये लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, व्हेन द फ्रिक्वेंसी अगर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से अलग है तो रिएक्टेंसेस LA एंड LB आपके डिफरेंट रहेंगे और वहाँ के रेजिस्टेंसेस आपके अनचेंज रहेंगे तब, ठीक है। तो इसका जो लीडिंग टू डिफ्लेक्शंस इन आइदर डायरेक्शन, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शंस है वो आइदर डायरेक्शन में लीड करेंगे और वो डिपेंड रहेंगे आपके करंट की जो जितनी भी फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ के इम्पीडेंसेस आपके तब चेंज हुए होंगे। ठीक, तो ये है लास्ट पॉइंट बोला था मैंने। तो ये है आपका वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर। क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें? एंड लास्ट है आपका डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर। तो इसकी डायग्राम ये है, अननोन सिग्नल है यहाँ पे, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये एम्पलीफायर को दिया, ये स्किमिट ट्रिगर को दिया, बाद में ये स्टार्ट स्टॉप गेट है और एक काउंटर एंड डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो एम्पलीफायर का यहाँ पे हर एक का मीनिंग दिया है। ठीक है, द सिग्नल हुज फ्रिक्वेंसी इज टू बी मेजर्ड इज फर्स्ट एम्पलीफाइड। जो इसकी जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हमें मेजर करनी है वो हमें पहले एम्पलीफाई करना है उसको, एंड सप्लाई टू द स्किमिट ट्रिगर, और वो सप्लाई करना है बाद में स्किमिट ट्रिगर को। ठीक आहे, ज्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मेजर करायची आहे त्याला पहिल्यांदा आपल्याला एम्प्लिफाईड करायचं आणि नंतर ते सप्लाय करायचं स्किमिट ट्रिगरला। स्किमिट ट्रिगर काय असतं? स्किमिट ट्रिगर कन्वर्ट द सिग्नल इनटू स्क्वेअर वेव्ह। स्किमिट ट्रिगर काय करते, त्या सिग्नलला कन्वर्ट करतं स्क्वेअर वेव्ह मध्ये, हॅव्हिंग फास्ट राईज अँड फॉल टाइम। याचा राईज आणि फॉल टाइम हा फास्ट असणार। ठीक है, अशा सिग्नलला ते कन्वर्ट करतं स्क्वेअर वेव्ह मध्ये, म्हणून त्याला स्किमिट ट्रिगर म्हणता येईल। द स्क्वेअर वेव्ह इज देन डिफरेंशिएटेड अँड क्लिप्ड। नंतर ते स्क्वेअर वेव्ह तिथं डिफरेंशिएट केली जाते आणि क्लिप केली जाते। ईच पल्स इज प्रोपोर्शनल टू ईच सायकल ऑफ द अननोन सिग्नल। प्रत्येक पल्स जे आहे ते प्रोपोर्शनल असणार आहे तिथल्या प्रत्येक सायकलला अननोन सिग्नलचं। ठीक है, स्किमिट ट्रिगर क्या करता है, आपके वहाँ के सिग्नल को कन्वर्ट करता है स्क्वेअर वेव्ह में, जिसका राइज एंड फॉल टाइम फास्ट होता है, और वो स्क्वायर वेव को बाद में उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, क्लिप किया जाता है। हर एक पल्स वहाँ का प्रोपोर्शनल में होता है जो वहाँ के हर एक साइकिल के अननोन सिग्नल के। ठीक है, तो स्टार्ट एंड स्टॉप गेट, व्हेन द गेट इज ओपन इनपुट पल्सेस आर अलाउड टू पास थ्रू इट। जब आपका गेट ओपन रहेगा तब वहाँ पे इनपुट पल्सेस को अलाउ किया जाएगा उसमें से पास होने के लिए। एंड द काउंटर इज नाउ स्टार्ट काउंटिंग द पल्सेस। काउंटर क्या करेगा वहाँ के पल्सेस को काउंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टार्ट गेट एंड स्टॉप गेट दिया है वहाँ पे। सो व्हेन द गेट इज क्लोज्ड इनपुट पल्सेस आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू इट। गेट आपका क्लोज हो जाएगा तो इनपुट पल्सेस को वहाँ से पास होने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और द काउंटर इज नाउ स्टॉप काउंटिंग द पल्सेस। आपका काउंटर स्टॉप करेगा वहाँ के पल्सेस को काउंट करने की। ठीक आहे, स्टार्ट आणि स्टॉप गेटमध्ये काय सांगितलं की जे गेट आहे आपलं ते जेव्हा ओपन असेल तेव्हा इनपुट पल्सेसला त्याच्यामधून पास होण्यासाठी अलाव केलं जाते। ठीक आहे, त्यावेळेस काउंटर काय करेल, तिथल्या पल्सेसला काउंट करायला स्टार्ट करेल। जेव्हा गेट हे क्लोज होईल तेव्हा इनपुट पल्सेसला त्याच्यामधून पास होण्यासाठी अलाउ केलं जाणार नाही, आणि त्यावेळेस काउंटर हे तिथल्या पल्सेसला काउंट करणं स्टॉप करेल। ठीक आहे, नंतर काउंटर आणि डिस्प्ले युनिट दाखवलेला इथं। काउंटर आणि डिस्प्ले मध्ये काय दिलं की नंबर ऑफ पल्सेस ड्युरिंग द पिरियड गेट इज ओपन आर काउंटेड बाय काउंटर। जे नंबर ऑफ पल्सेस असतील या पिरियडमध्ये पिरियड गेटमध्ये ते ओपन असतील आर काउंटेड बाय काउंटर, आणि ते काउंट केलेले असतील तिथल्या काउंटरनं। जे नंबर ऑफ पल्सेस असतील या पिरियडमध्ये त्यावेळेस गेट हे ओपन असणार आहे आणि त्यावेळेस काउंटरनं तिथले पल्सेस काउंट केलेले असतील। तो इफ द इंटरवल बिटवीन स्टार्ट अँड स्टॉप कंडिशन इज नोन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अननोन सिग्नल इज मेजर्ड। जेव्हा इंटरवल जे आहे स्टार्ट आणि स्टॉप कंडिशनमध्ये ती माहिती असेल तेव्हा आपण फ्रिक्वेन्सी जी आहे अननोन सिग्नलची ती मेजर करू शकतो, आणि फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला n/t असणार। तो फ्रिक्वेन्सी f म्हणजे ही अननोन फ्रिक्वेन्सी असणार, n म्हणजे नंबर काउंट डिस्प्लेड ऑन द काउंटर असणार, आणि स्मॉल t म्हणजे टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्ट अँड स्टॉप कंडिशन ऑफ द गेट असणार। क्लियर, सो दिस इज कॉल्ड एज डिजिटल फ्रिक्वेन्सी मीटर। Clear hai? So we'll stop here. We'll meet in the next lecture. Thank you for watching this video lecture again. Thank you very much.